Good morning to all. Please subscribe the channel and press the bell icon for more video updates. Today is 30 September of 2020 and it's a Wednesday today. चलिए आज एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, आप उनका जवाब कमेंट सेक्शन में दें। जैसे पहला क्वेश्चन है, आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है उसके डायरेक्टर कितने साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, अपॉइंट एंड नॉमिनेट किए जाते हैं, आपको बताना है कितने साल के लिए। दूसरा क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 355 क्या डिफाइन करता है, आर्टिकल 355 क्या डिफाइन करता है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब आप कमेंट सेक्शन में दें, साथ ही साथ आप कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं, उससे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्वेश्चन 247 या डिस्क्रिप्शन पर दी हुई लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जहाँ से आप सारे पीडीएफ नोट एक्सेस कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं, बना सकते हैं अपने नोट्स, खुद के नोट्स बना सकते हैं। इससे आप क्या कहते हैं, इसे एक्सेस आपको मिल जाएगा आप जब इसे सब्सक्राइब करेंगे टेलीग्राम चैनल को। चलिए आज की पहली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। पहली न्यूज़ आती है, 60 मिलियन इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू वायरस, आईसीएमआर सर्वे की। आईसीएमआर का सर्वे है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, उनका एक सर्वे में माना गया कि 16 मिलियंस जो इंडियंस हैं उन वो एक्स क्या कहते हैं एक्सपोज हो चुके हैं वायरस को, वायरस उनके इन्फेक्शन उनके अंदर मिल चुका है उनको, ऐसे इसमें बताया गया। इसमें वही कहा गया, अराउंड 7% ऑफ इंडियाज एडल्ट पॉपुलेशन हैव मे हैव बीन एक्सपोज टू द नोवल कोरोना वायरस। ऐसा अगस्त तक, ऐसा माना गया कि अगस्त तक ही 7% जो इंडिया के एडल्ट पॉपुलेशन थी जो उनको वो क्या कहते हैं कोरोना वायरस क्या कहते हैं थोड़ा बहुत छोटे फैक्टर्स में ही मिल गया होगा, क्या कहते हैं जो एसिम्प्टोटिक पेशेंट्स होते हैं उस जो उनको क्या कहते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं दिखाते उस तरह, तो कई लोगों को मिल चुका है ऐसा वायरस, तो क्या कहते हैं जिनकी इम्यूनिटी तेज होती है तो उनके अंदर कवर नहीं कर पाता वायरस और क्या कहते हैं वो डैमेज हो जाता है, तो इसलिए इम्यूनिटी इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्या कहते हैं इसीलिए इसमें कहा गया है। वही क्या कहते हैं सीरियो सर्वे हुआ था इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा, उसमें ऐसा बताया गया कि 60 मिलियन पॉपुलेशन जो इंडिया की है उसके क्या कहते हैं ये वायरस एक्सपोज हो चुका है। इसमें ये भी लिखा, द रिस्क ऑफ बीइंग एक्सपोज टू द वायरस इज रियल एंड वी हैव टू कंटिन्यू विद आवर मेजर, रिस्क इन अर्बन स्लम्स इज ट्वाइस दैट ऑफ नॉन स्लम्स। क्या कहते हैं कि जो इसमें कहा गया है कि जो इस वक्त भी अभी वायरस के और फैलने के चांसेस हैं, इसलिए जो हम लोग अभी प्रिकॉशंस ले रहे हैं उन्हें प्रिकॉशंस को बनाए रखें, और इसमें कहा गया जो अर्बन स्लम्स हैं जो क्या कहते हैं शहर में झोपड़ी पट्टी रहती है, कहते हैं वहाँ पे इस वक्त फैक्ट जो रिस्क है बहुत ज़्यादा है, ट्वाइस नंबर जितना क्या कहते हैं आप घर में रहते हैं उसका दुगना क्या कहते हैं जो चांसेस है फैलने का इस वायरस के वो स्लम्स में है, तो ऐसे इसमें बात की गई है। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है आईसीएमआर, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, आईसीएमआर इसको अलग से देखते हैं। आईसीएमआर एक एपेक्स बॉडी है जो देखती है फॉर्मुलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च को, इवन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज है दुनिया में। ये फंड की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के। इसके 26 नेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो वर्क करते हैं हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लेप्रोसी, कॉलरा, डायरल डिसीजेज, एड्स, मलेरिया, काला आजार, न्यूट्रिशन, फूड एंड ड्रग टॉक्सिकोलॉजी, इन सब जो हेल्थ टॉपिक्स रहते हैं उन पर ये क्या कहते हैं वर्क करते हैं, उनका क्योर ढूंढने पर वर्क करते हैं। इसके 6 मेडिकल रीजनल मेडिकल सेंटर्स भी होते हैं, रीजनल जो रीजनल किसी रीजन में रहें वो कहते हैं जो रीजनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है किसी कहते पार्ट ऑफ इंडिया के जहाँ पे कोई नई तरह की डिसीज़ फैल रही हो या कोई दिक्कत हो रही हो, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वहाँ पे ही वर्क करते हैं रीजनल हेल्थ मेडिकल हेल्थ सेंटर्स होते हैं। इनका जो मेन प्रायोरिटी होती है नेशनल हेल्थ प्रायोरिटीज जो होती है वो इनकी मेन प्रायोरिटी होती है इनकी रिसर्च प्रायोरिटीज़ में, जैसे इस वक्त कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे कोरोना वायरस हो गया, इस वक्त इनकी मेन प्रायोरिटी यही है कोरोना वायरस, और जो बाकी डिसीजेज होती है जो नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं वो पहले इसको अपना एक क्या कहते हैं मोटिव बनाते हैं कि उसका क्योर ढूंढा जाए, उसके बाद सबका देखा जाएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम। अगली न्यूज़ आती है, इंडिया रिजेक्ट चाइनाज यूनिलेटरल क्लेम्स ऑन एलएसी, कि इंडिया ने रिजेक्ट किया है चाइना का जो यूनिलेटरल क्लेम्स जो एलएसी पे कह रहा था। बीजिंग ने क्वेश्चन किया कि लद्दाख का स्टेट अपोजेस इंफ्रा प्रोजेक्ट इन यूनियन टेरेटरी, क्या कहते हैं जो बीजिंग है चाइना है उन्होंने जो लद्दाख में स्टेटस है जो क्या कहते हैं जो एक प्रोजेक्ट्स चल रहे थे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स क्या कहते हैं वहाँ पे लद्दाख में, उसको अपोज किया, उसको कहा है कि आप उसे नहीं बना सकते, ऐसा चाइना का कहना था।
इसमें वही बात की है कि इंडिया एंड चाइना ऑन ट्यूसडे एक्सचेंज शार्प स्टेटमेंट्स, कि जिसमें दोनों ने एक दूसरे को ब्लेम किया, कहा कि जो LAC में इश्यू चल रहा है इस वक्त, पूरी तरह से एक दूसरे को कहा कि तुम्हारे कारण, कि इंडिया का कारण है, इंडिया ने कहा चाइना का कारण है, ऐसा बात हुई। इसमें ये भी कहा गया कि जो उन्होंने ये भी कहा कि LAC क्लेम्स एज अनटेनेबल एंड बीजिंग से इट डिड नॉट रिकोगनाइज द यूनियन टेरेटरी ऑफ लद्दाख, कि जो वहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है, वो क्या कहते हैं चाइना ऐसा क्या कहते हैं वो एक यूनियन टेरेटरी नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हैं नहीं देख सकते, ऐसा उनका कहा गया। इसमें ये भी कहा गया कि द चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर टू अ क्वेश्चन ऑन इंडियाज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन लद्दाख, उन्होंने ये भी कहा इट डिड नॉट रिकोगनाइज लद्दाख, रीट्रेटिंग इट्स स्टेटमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर दैट डिस्क्राइब द क्रिएशन ऑफ द यूनियन टेरेटरी एज इलीगल, कि उन्होंने कहा कि जो यूनियन टेरेटरी क्या कहते हैं इंडिया ने बनाया है लद्दाख को, वो पूरी तरह से इलीगल है, क्या कहते हैं आप उसे यूनियन टेरेटरी नहीं बना सकते, और उसमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लद्दाख में नहीं बना सकते क्योंकि वो कुछ पार्ट चाइना का भी है वहाँ पे, तो क्या कहते हैं वो यूनियन टेरेटरी आप उसे पूरा नहीं बना सकते, जितना पार्ट आपका है उतना आप रखें, लेकिन पूरा क्या कहते हैं इंडिया का नहीं है, इसलिए वो आप पूरा उसे यूनियन टेरेटरी नहीं बना सकते और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स नहीं लगा सकते, ऐसा इनका कहना था। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है LAC, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जैसे आप देख सकते हैं फोटो में कि पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लद्दाख में कुछ एरिया है, हिमाचल में, फिर उत्तराखंड में, अरुणाचल में, सिक्किम में, तो इस तरह पूरा ये जो लाइन बनाता है इंडिया चाइना बॉर्डर, ये LAC होता है। चलिए अब देखते क्या है ये। द LAC इज द डिमार्केशन दैट सेपरेट्स इंडिया कंट्रोल टेरेटरी विद चाइनीज कंट्रोल टेरेटरी, कि जो इंडिया के अंदर कंट्रोल टेरेटरी है और जो चाइनीज कंट्रोल टेरेटरी है उनके बीच में ये डिफ्रेंशिएट करता है। इंडिया कंसीडर करता है 3488 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री और चाइनीज कंसीडर करता है सिर्फ 2000 किलोमीटर की बाउंड्री। ये तीन सेक्टर्स में डिवाइड है, पहला सेक्टर है ईस्टर्न सेक्टर जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आता है, मिडल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल, और वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में। द इंडिया चाइना LAC इन लद्दाख इज एन आउटकम ऑफ द टेरेटरी इलीगली रिटेन बाय चाइना आफ्टर द 1960 कॉन्फ्लिक्ट, कि जो 1962 वॉर हुआ था उसके बाद ये जो लद्दाख का कुछ पार्ट था अक्साई चिन एरिया वो चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, उसी के बाद इसे LAC बनाया गया था, जिससे और एरिया जो कहते चाइनीज आर्मी इंडिया की तरफ ना आ पाए, इसीलिए इस क्या कहते हैं उस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बनाया गया था, मैकमोहन लाइन इसीलिए बनाया गया था। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ आती है बाबरी डिमोलिशन वर्डिक्ट ऑन अडवाणी अदर्स टुडे, कहते हैं कि जो बाबरी डिमोलिशन केस था उसकी वर्डिक्ट आ जानी है आज। ये क्या कहते हैं ये केस बहुत पुराना भी है, जब क्या कहते हैं वो वहाँ की बाबरी मस्जिद की डिमोलिश की गई थी उस चीज़ का केस है, कि कहते हैं इस वक्त जो बीजेपी के लीडर जैसे लार्ज केस अडवाणी है और 31 और लोग हैं जो बीजेपी के लीडर्स हैं उनके ऊपर ये केस चल रहा है कि बाबरी डिमोलिशन केस, तो इसमें वही कहा गया कि आज उनकी रूलिंग आनी है, ये आनी थी पिछले साल ही, तो उसके बाद 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला था, फिर अप्रैल में रूलिंग आनी थी लेकिन कोरोना वायरस पैंडेमिक के कारण इसे और एक्सटेंड कर दिया गया और आज इसकी वर्डिक्ट एट लास्ट आनी है, तो देखना है कि इसमें वर्डिक्ट में क्या आता है, क्या रिजल्ट आता है, इसमें वही देखने की बात है। एक्यूज ऑफ इंस्टिगेटिंग कर सेवक, कि उन्होंने कहा कि जो कर सेवक से उनको अक्यूज किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं हम लोग। आज का पहला एडिटोरियल आता है वेइंग द कॉस्ट, कि अ प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव वैक्सीन बिसाइड बीइंग अनएक्सेप्टेबल विल डू लिटिल गुड, कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैक्सीन्स हैं जो अनएक्सेप्टेबल हैं वो थोड़ा ही बहुत हमें फ़ायदा कर सकती है, ऐसे इसमें बात की गई। जैसे हमने देखा कि 6 मिलियन केसेस हो चुके हैं इंडिया में और डेथ टोल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लगभग 1 लाख पहुँच चुका है इंडिया में, तो इंडिया इज विंटरिंग द फर्स्ट विंटर ऑफ द पेंडेमिक, की फर्स्ट विंटर ऑफ द पेंडेमिक में इंडिया इंटर कर रहा है, जिसमें वायरल इन्फेक्शन पर्टिकुलरली ऑफ द इन्फ्लुएंजा वेराइटी बहुत ज़्यादा कॉमन है इस साल, और देखा जा रहा है कि न्यू कॉमन जो रिस्क बढ़ा रहा है इस कोरोना वायरस का। पोटेंशियल माइलस्टोन अप्रोचेस द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ वैक्सीन, की इस वक्त वैक्सीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तो इन्फेक्शन एट डबल हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है। इसमें ये भी कहा मल्टीपल ओकेशन में ये भी दिखाया गया कि इंडिया मेड वैक्सीन वॉज लाइकली टू अवेलेबल इन अर्ली 2021, कि जैसे हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने कहा हर्षवर्धन ने, क्या कहते हैं कि इंडिया में जो इंडिया मेड वैक्सीन है वो अर्ली 2021 तक क्या कहते हैं आपको मिल जाएगी, लेकिन तब तक कैसे इसको कंट्रोल करना है इस पे हमें वर्क क्या कहते हैं सोचना चाहिए, ऐसा इसमें इस एडिटोरियल में बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया द गवर्नमेंट ऑलरेडी हैड अ एक्सपर्ट कमिटी ऑन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन, की वैक्सीन कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है
ये पहले से उनके पास पूरी कमिटी है। देयर जॉब इज टू डिसाइड हु गेट्स द वैक्सीन फर्स्ट, कि किसको पहले वैक्सीन देनी है। उसमें कहा गया है कि पहले जो अबव 60 है, और जो क्या कहते हैं अबव 60 हो गई, या जो छोटे बच्चे हैं, या जो किन जो अबव 60 क्रोनिक डिसीजेज वाले हैं, उनको पहले ये देनी चाहिए वैक्सीन, जिससे इन्फेक्शन, जिनके ज़्यादा चांसेस हैं इन्फेक्ट होने के, उनको पहले क्योर मिल सके। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें ये भी कहा गया कि वेदर देयर शुड बी अ कॉस्ट एट ऑल फॉर मेजोरिटी ऑफ इंडियंस हु एनी वे वर द हार्डेस्ट हिट बाय द पेंडेमिक इन द समर। स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ वैक्सीन आर ऑल्सो प्रॉब्लम दैट डॉन्टिंग एज मेकिंग वन एंड पोस्ट कॉम्प्लेक्स चेंजेस इन इंडिया की। जैसे कैसे स्टोर करना है वैक्सीन को, कैसे सप्लाई प्रोवाइड करनी लोगों तक, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होगा जब वैक्सीन बन जाती है, और इसके स्टेप पहले ही ले लेने चाहिए, ऐसे में बात की गई। इस पूरे एडिटोरियल में ये यही बात की गई वैक्सीन के बारे में, कि वैक्सीन इस वक्त होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऐसे इसमें बात की गई। चलिए अगली एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगला एडिटोरियल आता है अ डिमार्केशन इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, कि जो रोल होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, उसको अलग पूरी तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए एक पुलिस कमिश्नर से। पुलिस कमिश्नर का जो रोल होता है और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है, वो दोनों का अलग अलग रोल होता है, और दोनों को अपने अपने रोल को अलग अलग तरह समझना चाहिए, और अलग अलग लोगों को डिफ्रेंशिएट, उनको उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, डिफरेंशियल पूरा हो रहा है। इसमें वही कहा गया कि जो कोर्ट इन द शाहीन बाग केस ऑफ द राइट टू प्रोटेस्ट, जिसमें कहा गया विद इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द ब्रेक डाउन ऑफ पब्लिक ऑर्डर इन दिल्ली ओवर 3 पीरियड, कि जो वो 3 महीने तक जो क्या कहते हैं शाहीन बाग में केस चला था, जो क्या कहते हैं राइट टू प्रोटेस्ट वाला, उसमें कहा गया कि उनको पूरी तरह से हक है प्रोटेस्ट करने का, राइट टू प्रोटेस्ट है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं उनके अंदर, आप क्या कहते हैं आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप पब्लिक ऑर्डर को डैमेज नहीं कर सकते, ऐसे इसमें बात की गई है। इसमें ये भी कहा गया दिल्ली पुलिस जैसे हैविंग मजिस्ट्रेट पावर क्राइम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत, वो क्या कहते हैं उन लोगों को पब्लिक को पकड़ सकती थी, प्रिवेंटिव एक्शन ले सकती थी। पब्लिक पॉलिसी इशू के तहत एलीग शोपियन एनकाउंटर अंडरलाइंस इस सच एलिगेशन कन्फ्यूज पावर विद रोल्स, की जो कन्फ्यूज करता है पावर्स रोल को रोल के साथ। इसमें ये भी कहा गया है फर्स्ट, जैसे हमने देखा डिस्टिंग बिटवीन इंडिपेंडेंट एक्शन फॉर विच नो पॉलिटिकल क्लियरेंस इज नीडेड, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या रोल होता है कहते हैं इस तरह के एक्शंस में, तो उस तरह के एक्शंस में क्या रोल होता है, इसको बिल्कुल तरह से डिफ्रेंशिएट करना चाहिए। पुलिस कमिश्नर का इस तरह के केसेस में क्या होता है, और ये भी ऑर्डर बाय द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट क्राइम एंड मेक अरेस्ट वॉज इग्नोर्ड, कि पुलिस इन्वेस्टिगेट करे क्राइम्स और अरेस्ट करे लोगों को, वो पूरी तरह से उस वक्त इग्नोर किया गया था। सेकेंडली मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर रिक्वायर्स द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, की पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है, वो कैसे एक क्या कहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे पूरा पब्लिक ऑर्डर वहाँ बनाए रखना है, वो पूरी तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रोल होता है। दो एनी डेथ ओपन्स द डोर टू एन इंक्वायरी, देर इज नो जस्टिफिकेशन फॉर लैक ऑफ इफेक्टिव पुलिस एक्शन, कि वहाँ पे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो लैक ऑफ फुल इफेक्टिव पुलिस एक्शन वहाँ पे दिखाई दिया था, उसका कोई आंसर उनको नहीं मिला। थर्डली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंसिडर प्रोटेस्ट एज लेजिटिमेट, कि जो प्रोटेस्ट को पूरी तरह से लेजिटिमेट बनाना, लेवरेजिंग गवर्नमेंटल एक्शन टू प्रिवेंट अदर्स एक्सप्लॉइटिंग द ग्रेवेंस, कि जो दूसरों को एक्सप्लॉइट करे उससे बचाना, ऐसा पूरी तरह से कॉज था। एट लास्ट इसमें कहा गया कि जो पुलिस है पर्टिनेंटली द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्टिंग्विश बिटवीन द पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर, क्या कहते हैं कि जो 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो पूरी तरह से डिफाइन करता है दोनों की पार, की पुलिस की पार की क्या होती है, पुलिस क्या होता है, पब्लिक ऑर्डर क्या होता है, दोनों को अलग अलग डिफाइन किया गया है, पूरी तरह से डिफाइन डिस्टिंग्विश किया गया 7th शेड्यूल में। अब कमेंट सेक्शन बताएं कि 7th शेड्यूल क्या होता है, 7th शेड्यूल क्या होता है, ये आप कमेंट सेक्शन बताएं थोड़ा बहुत एक दो लाइन में जो आप डिफाइन कर पाए 7th शेड्यूल क्या होता है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं हम लोग। अगली न्यूज आती है मलबार एक्सरसाइज मीटिंग टू डिस्कस ऑस्ट्रेलियाज एंट्री, की जो मलबार एक्सरसाइज होती है उसमें ऑस्ट्रेलिया की एंट्री करना, वो उस पर एक मीटिंग है, तो उस पर डिसाइड किया जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया को उसमें जोड़ा जाए कि नहीं। तो इसमें इम्पोर्टेंट आता है मलबार एक्सरसाइज, इसको हम लोग अलग से देख लेते हैं मलबार एक्सरसाइज को। मलबार एक्सरसाइज ये पहले इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में इंडिया और यूएसए के बीच में, फिर टेंशन का आने के कारण इंडियाज का न्यूक्लियराइजेशन इन 1998 ये एक एनुअल फीचर बन गया 2002 में।
बायलेटरल एक्सरसाइजेज होती थी, नेवल ड्रिल्स होती थी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बीच में 2005 में, फिर एंटी पायरेसी ड्रिल्स और सर्च एंड रेस्क्यू विद यूएस स्ट्राइक ग्रुप्स, कोस्ट गार्ड शिप दोनों कंट्रीज के बीच में 2006 में होता था। फिर 2007 में इसका स्कोप बढ़ाया गया, ये 5 नेशन मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज बन गया, 3 और नेशंस उसमें जोड़े गए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। इसमें ये डिस्प्ले करता था मल्टीलेटरल नेवल कॉपरेशन हाइटेन चाइनाज एंगजाइटी की, इस तरह की एक्सरसाइज होना चाइना को, चाइना का टेंशन बढ़ा रहा था कि अगर ये 5 देश एक साथ आ गए कभी एक साथ तो क्या चाइना की दिक्कत हो सकती है। इसलिए चाइना ने जापान पे क्या कहते हैं टेंशन बढ़ाया, तो जापान ने उसे जॉइन द मेलबर्न एक्सरसाइज फिर से उसे जोड़ा गया। उससे क्या कहते हैं जब चाइना ने उन पर इन्फ्लुएंस बढ़ाया जापान में, तो जापान ने मेलबर्न एक्सरसाइज छोड़ दिया, लेकिन फिर अभी जापान ने 2015 में फिर से जुड़ा है एज अ परमानेंट मेंबर। जो ऑल द पार्टिसिपेशन नेशंस हैं जो इसमें क्या कहते हैं भाग लेते हैं, इज नॉट एम्ड एट एनी स्पेसिफिक कंट्री, वो किसी स्पेसिफिक कंट्री को एम नहीं करते, लेकिन तब भी चाइना इस तरह के एक्सरसाइज से डर जाता है और वो सोचता है कि एक साथ ही कंट्री आ गए तो दिक्कत फैला सकते हैं। इसमें ये भी कहा गया मल्लबर एक्सरसाइज डिनोट द ग्रोइंग लेवल ऑफ इंटरऑपरेबिलिटी, कि जो नेवीज के बीच में, यूएस, इंडिया, जापान के बीच में जो दिक्कतें हैं, जो एक तरह से एक्सरसाइज करना अपनी पावर, इससे पता चलता है और उनकी पावर बढ़ती भी है। जैसे हमने देखा कि चाइनीज की ग्रोइंग मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन, तो इस तरह की एक्सरसाइज होना एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है। इससे हम अपनी क्रेडिबिलिटी ला सकते हैं हर जगह पे, मैरिटाइम डोमेन में या कलेक्टिव एफर्ट में, जिससे हम 3 ग्लोबल कॉमर्स, जिस ओशन, स्पेस और साइबर स्पेस में बढ़ सके। यूएस पार्टिसिपेशन भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, एक्सरसाइज इंडिकेट्स इंटरेस्ट इन इंश्योरिंग मैरिटाइम सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशन रीजन, कि इंडियन ओशन रीजन में कहते हैं मैरिटाइम सिक्योरिटी बनाने के लिए भी यूएस की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज आती है, SII कमिट्स टू मेकिंग 100 मिलियन डोसेज मोर वैक्सीन डोसेज, कहते हैं सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो उसने कमिट किया है कि वो 100 मिलियन मोर वैक्सीन डोसेज बनाएगा। पुणे फर्म सेज 200 मिलियन शॉट्स विल बी अवेलेबल एट $3 ईच, कि जो 200 मिलियन शॉट्स अवेलेबल होंगे वो $3 पे अवेलेबल होंगे, ऐसा पुणे फर्म जो SII है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, उसने ऐसा बताया। तो हम लोग इसको देख लेते हैं, SII को, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को, इसको अलग से देख लेते हैं क्या होता है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये एक मैन्युफैक्चरर है इम्यूनोबायोलॉजिकल ड्रग्स का, इंक्लूडिंग वैक्सीन्स इन इंडिया। इसे फाउंड किया गया था साइरस पूनावाला द्वारा 1966 में। ये वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मेकर है, प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग मोर देन 1.3 बिलियन डोजेस ग्लोबली एवरी ईयर। इसको देख लेते हैं, ये प्राइवेट ओन लिमिटेड है, ये कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं है। कहते हैं इसके इस फाउंडर है साइरस एस पूनावाला, इसका हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र इंडिया में है। ये कहते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड है ये। इसका इस वक्त जो प्रेसिडेंट है वो आधा पूनावाला है। इसका रेवेन्यू 595 मिलियन डॉलर है और नेट इनकम 295 मिलियन डॉलर 2015 में इतनी थी। तो ये सब है इसके बारे में, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच।